जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। दरअसल ये जो है खूंटी जिले का जितने भी पर्यटन स्थल है उसमें से जितने प्रमुख पर्यटन स्थल उनमें से एक है। सबसे पहले आपको यहां का परिदृश्य दिखा लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको यहां के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इधर देखिए, पहाड़ियों के बीचों बीच चारों तरफ से पहाड़ी है और पहाड़ों के बीचों बीच ये जो है पर्यटन स्थल है और यहाँ झरना बहता हुआ आप देख सकते हैं। इधर भी आप झरना देख लीजिए, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। लेकिन जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी माना जाता है। खतरनाक वो इसलिए कि कई लोग आते हैं दूर दूर से और डायरेक्ट जो है नहाने घुस जाते हैं या फिर इसको पार करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार लोग धोखे में आके, चूँकि उसे तो जानकारी होता नहीं है और वो फंस जाता है। यहाँ जो है इस तरफ पानी का झाग देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी गड्ढा है और इस तरफ जो है यहाँ भी काफ़ी गड्ढा है। इसमें अक्सर जो है माना जाता है कि अगर आप इधर जा रहे हैं, अगर गलती से उसमें चले गए तो आप जो है उसमें फंस सकते हैं। तो इसलिए जो है ये रस्सी लगा दी गई है और जाली लगा दिया गया है यहाँ की, ताकि कोई लोग इसके उस पार नहीं जाए। ये काफ़ी डेंजर जोन माना जाता है। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि ये जो है खूंटी जिले से लगभग, जिला मुख्यालय जो है खूंटी शहरी क्षेत्र, खूंटी के शहर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे पांडव पुरिंग के नाम से या फिर पांडा पुरिंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 2 साल पहले तक इसका कोई नामो निशान नहीं था, मतलब लाइट में नहीं था। ये लोग तो जान ही रहे, यहाँ का लोकल लोग जान ही रहे थे कि यहाँ जो है इस तरह से झरना है, नदियाँ जो है इधर से बहती है। लेकिन और लोगों को ये नहीं पता था कि पर्यटन स्थल हो सकता है। जब इस पर जिला प्रशासन की नज़र पड़ी, लोगों द्वारा जानकारी मिली, तब जो है इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया। खैर, अब यहाँ से जो है आपको एक बार नज़ारा दिखा के उसके बाद हम लोकल लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखिए, इधर जो है लोग जब उतरते हैं, ये काफ़ी गड्ढे में बसा हुआ है। इधर पिकनिक मनाने आते हैं, पिकनिक मनाने जब आते हैं तो वहाँ जो है बनाना होना, खाना होना करते हैं। उसके बाद जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं इधर लोग घूमने भी आते हैं। और इधर देखिए पहाड़ियों के बीचों बीच हम बात कर रहे थे कि पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है। इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, चारों तरफ से हम दिखा देते हैं आपको, पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ी है। देखिए तो पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है। एक यहाँ के लोकल जो है पर्यटन मित्र है, लोकल गांव के ही हैं, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं किस किस जगह गड्ढा है, कितना खतरनाक है। ग्राम समिति से इन्हें नियुक्त किया गया है। जब तक पिकनिक स्पॉट पर ये लोग आते हैं पिकनिक मनाने, तब तक इन लोगों का यहाँ चप्पे चप्पे पर लोग रहते हैं, इनके जैसे और लोग, और नज़र रखते हैं कि कोई गलत दिशा में नहीं जाए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है कितने दिनों से शुरू हुआ है यहाँ पिकनिक स्पॉट? कितने दिन है? 1 साल से, लगभग 3 साल हो गया। लगभग 3 साल ना? हाँ। तो कहाँ कहाँ से लोग आता होगा यहाँ, कितना कितना? कहाँ कहाँ से? हम लोग भी बाहर में रहते हैं लेकिन एकदम कहाँ कहाँ से, बाहर बाहर से आते हैं लेकिन फिर भी एकदम हम लोग पूरा व्यवस्था सुरक्षित। हाँ, लोगों को बताते रहते हैं कि इधर खराब है, इधर अच्छा है। तो ये बताइए कि इधर कहाँ कहाँ गड्ढा है, कौन सा खतरनाक जगह है? यहाँ यहाँ छोटा सा बावड़ी है ना यहाँ, और सबसे ज्यादा गड्ढा है यहाँ। हाँ। उसके बाद वहाँ, अच्छा, उधर ये सबसे ज्यादा गड्ढा माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। ये वाला सबसे गड्ढा है ना, तो काफी खतरनाक है। हाँ, तो ये वाला, हाँ, ये वाला एकदम बांस एकदम डूबेंगे ना इधर, इतना ज्यादा बचेगा, ये इतना पूरा बांस डूब जाता है, बांस डूब जाता है, लगभग 20-25 फीट गड्ढा है। हाँ, लंबा बड़ा वाला लाओ ये बांस। इसको काहे के लिए लगाया है? इसको काहे के लिए लगाया, इधर ऐसा एकदम फोटो वोटो खींचेगा ना, ऐसा एकदम खींचेगा ना, ऐसा जाली वाली एकदम, तुम भी तो नहीं लगा हुआ है ना, लोहा का तो नहीं, लकड़ी का लगा हुआ। लोगों को उधर नहीं जाना है इसीलिए? हाँ, हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा बसिलगुड़ी है, गाँव लोहाजमी है, लोकल है। ये भी हमारा आइडेंटिटी कार्ड देख लीजिए इनका एक बार। सभी पर्यटक मित्र जितने भी हैं सबको जो है इसी तरह से बना दिया गया है, कार्ड बना दिया गया, इश्यू कर दिया गया है। और ये लोग लगातार लोगों पर नजर रखते हैं, आने वालों पर, कि किसी गलत दिशा में नहीं जाए। अभी जैसे ये बता रहे थे कि काफ़ी गड्ढा है, इससे पहले हम बताए कि लोग अगर यहाँ कोई आ रहे हैं अनजान लोग, तो गलती से सेल्फी लेने के चक्कर में, फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में उधर चल जाए तो वो जो है फंस सकते हैं, उस गड्ढे का शिकार हो सकते हैं गलती से, अगर उनका पैर फिसल गया तो। फिलहाल अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जितने भी निर्देश हैं, जितने भी डेंजर जोन के लिए ये चिन्ह, ये बाउंड्री मतलब घेरा गया है, आप कहिए कि चिन्ह भी कहीं कहीं लगाया गया है पत्थरों पर, तो इस तरह से जहाँ देखेंगे उससे सावधान रहें, वहीं तक रहें, आगे नहीं बढ़ें। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।